जिनके ख्यालों में आप दिन रात डूबे रहते हो, आप उनको अपने ख्यालों से नहीं निकाल पा रहे हो और जानना चाहते हो क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में आज, तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ओके। और अगर आप लोग अपने लिए ये क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा, आपके नाम से एनर्जाइज हो करके आप तक पहुँच जाएंगे, राइट। सो अपने और अपने नियर एंड डियर वंस के लिए आप ये क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं। सो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, ओके। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप क्या चाहते हैं आपकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में, क्लेम कीजिएगा 111 अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो, राइट। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के ख्यालों में क्या चल रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है पार्टनर के मन में, ओके। फाइन, सो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर द मून का कार्ड, ओके। सो देखो, आपके ख्यालों में डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं और ख़ुद को रोक नहीं पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से, आपके ख्यालों में खोने से। दिखाते कुछ और हैं और दिल में कुछ और है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने इमोशनली खुद को रोक रखा है, अपने वर्ड्स को, अपने ख्यालों को, अपनी बातों को कहीं ना कहीं दिल में दबाए हुए बैठे हैं। काफ़ी सोचते रहते हैं सही क्या है, गलत क्या है, ऐसा करना ठीक रहेगा, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। सो इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ख्याल बहुत ज़्यादा आते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर, लेकिन अपने इमोशंस को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दबा रखा है। उनको ऐसा लगता है कि ना आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो और ये अटैचमेंट वो फील कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने किसी कारण से, किसी वजह से, किसी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से या किसी बाउंडेशन की वजह से खुद को रोक तो रखा है, लेकिन उनके लिए खुद को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, देखो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके तरफ बढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, बट उनको कई बार ऐसा लगता है ना कि आप तक पहुंच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जो सफ़र अभी उनको तय करना पड़ रहा है, जो परेशानियाँ, जो हर्डल्स उनके लाइफ में चल रही है, उसको लेकर के उन हर्डल्स को पार करते हुए आप तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। रिश्तों में स्टक दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपको भुला पाना, आपसे दूर रह पाना या फिर आपकी बातों को भुला पाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आपकी यादों को, आपके ख्यालों को, आपकी बातों को साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, एक ना कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में होता है तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, आगे बढ़ने की एक जील आती है, तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं उनको हमेशा देते आए हो। आपको देख करके उनको खुशियाँ मिलती है, आपको, आपके साथ होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है। उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आते हो, हमेशा उनको एनकरेज करते हो आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए। आपकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भूल नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हो और उस इम्पॉर्टेंट पार्ट को कहीं ना कहीं वो अपने से दूर रखना उनकी, उनके लिए एक स्ट्रगल हो गया है।
ठीक है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आप उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हो। आप कभी भी वो किसी भी पॉइंट पर फंस जाते हैं या कहीं भी वो डाउटफुल होते हैं या कभी भी उनको ऐसा लगता है कि उन्हें किसी साथ की ज़रूरत है, किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ, वाओ। सो देखो, ये कार्ड अगेन लियो का है और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है। भले ही अभी सिचुएशंस जो भी हो, है ना, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं बट कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी स्ट्रेंथ हो और हर मुश्किल में वो कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं। जब भी वो उदास होते हैं आपको याद करते हैं, यहाँ तक कि आपको अपनी खुशियों का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, भूलना चाह रहे हैं पर भुला नहीं पा रहे हैं। सो ये जो कोशिश इनकी चल रही है ये बिल्कुल नाकामयाब होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये रिश्ता आगे तो बढ़ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी हैं, ठीक है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना रह पाएंगे, लेकिन आप जिस तरीके से उनको याद आते हो, आपकी बातें, आपका ख्याल जिस तरीके से उनको परेशान करता है ना, वो चाह कर भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। फोर ऑफ बॉन्ड, वाओ। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह धनु राशि आई है। सो डेफिनेटली बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। जल्दी जल्दी रीयूनियन क्लेम कीजिए, जिस इसको भी यहाँ पर रीयूनियन क्लेम करना है फटाफट से क्लेम कर लीजिए, क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना। उनको लगता है कि आपको भी उनके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। कई बार आप बहुत अपनी क्लियरली बात को प्रेजेंट कर देते हो और आपको ये पसंद भी है कि झूठ बोलना, चीज़ों को छुपाना, बातों को घुमा फिरा के कहना आपको पसंद नहीं है और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, राइट। और ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है कि आप कभी भी बातों को ना घुमा फिरा के या झूठ नहीं बोलते हो, और वही चीज़ आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो खुद बोलने से कहीं ना कहीं झिझकते हैं। आपके दिल की जो बात है वो आप तो बोल देते हो पर हो सकता है वो नहीं बोल पा रहे हैं। सो आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो और ये चीज़ आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। सो बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ते हुए और आपको कमिटमेंट देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आया है। देखो, हो सकता है आपके पार्टनर, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने ना काफ़ी कुछ ऐसा कह दिया है या कर दिया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो और आपको ऐसा लगता है कि किसी से प्यार करना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि सामने वाला दुख पे दुख, दर्द पे दर्द देता जा रहा है, आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ अपने दिल में फील करते हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, उन्होंने आपको नो कांटेक्ट दे दिया है या फिर उनकी वजह से आप रोए हो, परेशान हो, तो उस चीज़ को लेकर के वो गिल्टी ज़रूर होते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं और उनको ये पता है कि वो इस रिलेशनशिप को एक चांस और देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप इस तरीके से ख़त्म हो या फिर आप उनकी ज़िंदगी से दूर जाओ। ओ माई गॉड। सो टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सो देखो, ये कार्ड क्लियर कट यही बता रहा है कि आपको अपनी अपना सब कुछ मान चुके हैं, आपको अपनी फैमिली मान चुके हैं। और देखो, क्या कई बार क्या होता है ना कि सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि दुनिया के सामने कुछ और दिखाना पड़ता है और दिल में कुछ और चल रहा होता है। सो आपके बिना एक अधूरापन तो फील डेफिनेटली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बातों को लेकर के खुश भी हैं और कई बातों को लेकर के दुविधा में भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे दूर रहने का नाटक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जर्नी आप दोनों की ज़रूर मुश्किल है, राइट। बट उनको ऐसा लगता है कि कंप्लेंट करना वेस्ट है, डाउट्स नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप के ऊपर और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और चाहते हैं इस अधूरे रिश्ते को पूरा करना, राइट। सो जल्दी जल्दी फटाफट से क्लेम कर लीजिए 111। ओके, सो स्टार का कार्ड आ गया है यहाँ पर, राइट। सो स्टार का कार्ड यही बता रहा है कि आप उनके लिए बहुत एक ज़रूरी हिस्सा बन चुके हो, आप एक स्टार हो उनके लिए, ठीक है। आपको छू पाना बहुत मुश्किल है, राइट, कहीं ना कहीं आप तक पहुंच पाना भी मुश्किल है। आपको दूर से बैठ करके देखते रहते हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं,
कई बार उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई और नहीं है, आप अकेले ऐसे इंसान हो जो इनको इतना समझ पाए हो, आप अकेले ऐसा इंसान हो शायद इनकी ज़िंदगी में जिसने इनको इतना समझा है और इनकी फीलिंग्स को समझा है, राइट। सो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओके। एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड, सो टेन नंबर देखो रिपीट हो रहा है, 1111 ज़रूर क्लेम कीजिएगा। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि यहाँ पर आ चुकी है, सो इंतज़ार है उनको सही समय का, इंतज़ार है उनको ऐसे वक्त का, ऐसी सिचुएशन का जब वो आपकी तरफ बढ़ पाए, राइट। इनको आपके अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इनको आपके अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा, इनको लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हो, जहाँ पर आपका दिल लगता है ना आप सिर्फ़ और सिर्फ वहीं रहना पसंद करते हो, या उन लोगों के बीच में ही आपको रहना अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डीप और इंटेंस है, बट ये आपके तरफ या आप तक अपनी फीलिंग्स नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स या डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में ज़रूर है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, सो देखो सोच सोच के ये चीज़ सोच सोच के ना इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरती चली जा रही है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थॉट्स देने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, बहुत बातों को लेकर के डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, ओके। और आपकी फीलिंग्स को डेफिनेटली इन्होंने हर्ट किया है, आपके दिल को इन्होंने जो दुखाया है उसको लेकर के भी ये काफ़ी ज़्यादा गिल्टी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ये ज़रूर है कि उनको लगता है कि लोग आप दोनों के रिश्तों से जेलस होते हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कई बार दूसरों का मुंह देख करके भी ये रुक जाते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स इनको लाइफ में दिखाई दे रही हैं, आपके ख्यालों से नहीं निकल पा रहे हैं, अकेलेपन को दूर नहीं कर पा रहे हैं। आप उनको खुशी देते हो और आपके साथ ही उनकी जो जर्नी है ये लाइफ की वो आसान बन जाती है, और आपके बिना ये जो जर्नी है ये लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपसे दूर रहने का फ़ैसला तो कर लिया बट उसी फैसले में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड हो गए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, अगेन देखिए कन्फ्यूजन्स का कार्ड ही आया है, राइट। सो 222 ज़रूर क्लेम कीजिएगा क्योंकि इमोशंस में कहीं ना कहीं फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, क्या करें क्या ना करें, आपसे कॉन्टैक्ट करें या ना करें, आपसे बात करें या ना करें, आपको अपने दिल की बात बताएं या ना बताएं, राइट। क्योंकि जितना कन्फ्यूजन अभी मैं देख पा रही हूँ ना वो कहीं ना कहीं इनको पागल किए जा रहा है। और सी सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, सो इनको ऐसा लगता है ना कि इनकी नाव ऐसी जगह आके फंस गई है, रुक गई है ना, जहाँ से शायद इतना उतार चढ़ाव, इतनी लहरें उठ रही हैं ना इनकी ज़िंदगी के अंदर, इतना अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं इनकी लाइफ के अंदर कि ये डूबते चले जा रहे हैं उस इमोशंस के अंदर, फीलिंग्स के अंदर। आप क्या सोच रहे हो इनको पता चल जाता है, ये क्या सोच रहे हैं आपको पता चल जाता है, और आप वेट कर रहे हो कमिटमेंट का, आप वेट कर रहे हो उस पर्सन के जवाब का, और ये पर्सन वेट कर रहा है सही समय का, राइट। उस समय का इंतज़ार डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, सो आपकी यादों को आपकी बातों को कहीं ना कहीं अपने दिल से लगा करके बैठे हुए हैं। हो सकता है आपकी कोई फोटोग्राफ इनके पास हो, आपकी कोई ऐसी चीज़, आपका कोई गिफ्ट ऐसा इनके पास हो जिसको कहीं भी ये जाने नहीं देना चाहते हैं, उसको अपनी आँखों से दूर नहीं करना चाहते हैं, सबके सामने दिखा नहीं पाते हैं, राइट। क्योंकि अभी जो भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कन्फ्यूज्ड है, राइट, और चाहते हैं ये कन्फ्यूजन्स को दूर करना। फाइव, अगेन फाइव नंबर का कार्ड आया है, सो अगेन फाइव ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि बहुत इमोशंस में डाउनफॉल आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं और नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, आप तक पहुंच पाना भी मुश्किल है और आपसे दूर रह पाना भी मुश्किल यहाँ पर बनता चला जा रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, देखो उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हो और आप उनको कहीं ना कहीं स्टॉक करते हो, आप भी उनका ध्यान रखते हो, आप भी देखते रहते हो कि ये पर्सन क्या कर रहा है, कहाँ है और किस ज़िंदगी से गुजर रहा है, क्या परेशानियों से गुजर रहा है, बट ये कहीं ना अभी सिर्फ आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप भी इनको ऑब्ज़र्व कर रहे हो और सिचुएशंस में ये स्टक दिख रहे हैं।
टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो कार्ड ये बता रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और चाहते हैं कि आप भी उनके लिए पॉजिटिव रहें, इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव रहें और वेट करें उनके लौटने का। वो ज़रूर से ज़रूर आपके पास वापस आएंगे, रीयूनियन आप दोनों का ज़रूर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड अगेन यही बता रहा है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर हैं, एंजल्स का साथ आप दोनों के पास ज़रूर है। बस थोड़ा सा समय का इंतज़ार ज़रूर आप लोगों को करना पड़ रहा है, जैसे ही ये समय निकलेगा और सही समय जैसे ही आएगा वैसे ही आप दोनों का रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम जरूर कीजिएगा यहाँ पर बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का धन्यवाद कीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, सो फटाफट से लिंक पर जाइए, ज्वाइन कीजिए और देखिए और वीडियोस को। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।